हेलो स्टूडेंट, आई एम लखवीर सोडी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुकेरिया इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो जो सब्जेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिक थर्मोडायनामिक्स, और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे अपने कोर्स बेसिक थर्मोडायनामिक्स में दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन में भी लिखा है कि जब किसी सिस्टम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन का वर्क हो, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ना तो आपका सिस्टम हीट बाहर से रिसीव कर रहा हो और ना ही बाहर को दे रहा हो, तो उस सिस्टम को हम एडियाबेटिक सिस्टम कहेंगे और प्रोसेस को उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। और इसे इसका एक और नाम है दैट इज़ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस एंट्रोपी, आइसेंट्रोपी, जिसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन योर एडियाबेटिक प्रोसेस। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस नो हीट लीव्स और एंटर द गैस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, एंड द टेम्परेचर of the gas change as the work is done at the cost of internal energy। अगर हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई काम हो रहा होगा तो वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जो वर्क होगा वो सराउंडिंग को दे देगा। अगर इंटरनल एनर्जी कम है तो वो वर्क जो है सराउंडिंग से ले लेगा, हमारा जो सिस्टम है अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस। सिमिलर अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो अगर हमारे सिस्टम में जो एडियाबेटिक के अंडर है, अगर उस पर अगर कोई हम वर्क देते हैं तो अंदर वाली जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम उस सिस्टम से कोई काम ले लेते हैं सराउंडिंग में तो वो जो इंटरनल एनर्जी है अंदर वाली वो कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो अगर कोई काम दे रही होगी तो वो कम या ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू वर्क, एंड जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो इक्वल होगी जितना उसने वर्क दिया है, क्योंकि ये ना तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है और ना ही सराउंडिंग को जो हीट दे रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें जो प्रेशर वॉल्यूम P1, V1 एंड T1 है, ये है हमारा प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द इनिशियल स्टेट वन। इनिशियल स्टेट वन जो कि ये है, और प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P2, V2 एंड T2, ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है एट स्टेट टू, जो कि ये है। ये जो ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ एडियाबेटिक प्रोसेस लाइन, और ये वर्क करता है हमारे इस रिलेशनशिप पे विच इज़ PV^γ = C। ये होता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। जैसे कि एस यू नो कि जैसे हम प्रीवियसली प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप निकालते थे अपने आइसोबारिक का, आइसोकोरिक प्रोसेस का और आइसोथर्मल प्रोसेस का, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप होगा ये थोड़ा अलग मेथड से हम निकालेंगे। जैसे कि एस यू नो दैट डेल्टा क्यू जो होता है, ये वाली वैल्यू डेल्टा क्यू, ये होता है आपका डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। डेल्टा क्यू होता है आपका क्योंकि हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफ़र, ये होता है इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल। सो सिंस एज यू नो दैट इन एडियाबेटिक प्रोसेस there is no heat transfer,
take place. So the value of delta Q will be equal to 0. At that time delta W plus delta U ये हो जाएगा is equal to 0. और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे डेल्टा W की, जो कि होती है PdV प्लस और डेल्टा सॉरी DU उसकी वैल्यू MCV dT. यहाँ पे आप लिख देंगे वैल्यू ऑफ DW और डेल्टा W और DU की, ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो. तो MCV dT इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे आप DT जो है उसे एक साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास जो बाकी बचेगा DT विल बी इक्वल टू माइनस PdV अपॉन MCV आपके पास आ जाएगा और आप इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है. तो एज वी नो दैट PV क्या होता है, PV इज इक्वल टू MRT. हमारे पास PV जो होता है दैट इज MRT. यहाँ पर M इज इक्वल टू मास, R इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट एंड T होता है हमारे पास टेम्परेचर. तो जब हम इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करेंगे एज वी डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन तो हमारे पास बाकी बचेगा PdV प्लस VdP इज इक्वल टू MRdT. यहाँ पे हमने P की डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू V और V की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P और MRdT हमारा इसका बन जाएगा. तो यहाँ पे भी हम जो DT है ये आ जाएगा हमारा PdV प्लस VdP अपॉन MRdT, ठीक है. अगर हम इसे दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो DT अगर हम सब आगे ले आए तो ये बन जाएगा हमारे पास DT विल बी इक्वल टू PdV प्लस VdP अपॉन MR. PdV प्लस VdP अपॉन MR. तो DT की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी PdV प्लस VdP अपॉन M. तो R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी CP माइनस CV. एस यू नो R क्या होता है, R इज इक्वल गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू CP माइनस CV. इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम. तो अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट. तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज PdV अपॉन MCV यहाँ पर लिख दिया हमने विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 PdV प्लस VdP अपॉन MCP माइनस CV. अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को यहाँ पे इक्वेट कर लिया तो हमने यहाँ पे CP माइनस CV अपॉन CV जो है उसे बाहर निकाल लिया. अब यहाँ पे ये जो M है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, और बाकी हमारे पास बचेगा PdV प्लस VdP अपॉन माइनस PdV माइनस PdV. तो हम ये जो हमारी इक्वेशन है PdV प्लस VdP माइनस PdV इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस VdP अपॉन PdV. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही चीज़ बन जाएगी और आप ये जो इक्वेशन है CP माइनस C अपॉन CV इसको भी इस फॉर्म में आप लिख सकते हो CP अपॉन CV माइनस 1 ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 माइनस V ओवर DV इंटू DP माइनस P. ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये कुछ इस तरह से होगी VdP ओवर
पी डी वी, ठीक है, हमने इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। यहाँ पे ये हो जाएगा वी अपॉन डी वी, वी को डी वी के नीचे लिख लिया और डी पी अपॉन पी को ऐसे लिख लिया। ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। और एज वी नो दैट सी पी अपॉन सी वी जो है दैट इज इक्वल टू गामा। अब देखो सी पी अपॉन सी वी यहाँ पे है और ये जो है हमारे पास माइनस वन, अब माइनस वन यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा सी पी अपॉन सी वी जो होता है हमारे पास, सी पी अपॉन सी वी जो होता है ये होता है हमारे पास इज इक्वल टू गामा। एज वी नो दैट सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी ये होता है इज इक्वल टू आर, तो सी पी अपॉन सी वी जो होता है दिस इज इक्वल टू गामा। तो हम इसे लिख लेंगे गामा इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन डी वी इंटू डी पी अपॉन पी। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी माइनस डी पी अपॉन पी है इसे एक साइड पे रख लेंगे और वी अपॉन डी पी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास गामा इंटू डी वी अपॉन वी विल बी इक्वल टू डी पी अपॉन पी। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है डी पी माइनस डी पी अपॉन पी के साथ, तो अब हम इसे भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसे इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा गामा इंटू डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे अपने ये वाली इक्वेशन की। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो गामा ये बन जाएगा हमारे पास वी, गामा इंटू डी वी की जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगी हमारे पास गामा लॉग ई वी प्लस डी पी अपॉन पी की जो इंटीग्रेशन होगी ये हमारे पास आ जाएगी लॉग ई इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और लॉग ई पी वी रेस्ट पर गामा विल बी इक्वल टू लॉग सी। यहाँ पे लॉग के साथ हम लॉग काट देंगे, हमारे पास जो बच जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू सी। और इसे अगर हम अपनी पी वी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पी वन वी वन रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू सी। और हमने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर फोर। तो दिस इक्वेशन नंबर फोर में आल्सो एक्सप्रेस्ड इन दी फॉलोइंग फॉर्म, इसे हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट पी वन अपॉन पी टू विल बी इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन रेस्ट पावर गामा। ये जो इक्वेशन हमारी नंबर फोर है ये वाली, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेस्ट पावर गामा। और नाउ हम मूव करेंगे अपनी गैस इक्वेशन की तरफ। तो हमारी जैसे कि गैस इक्वेशन होती है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो इसे हम लिख सकते हैं प्रेशर की फॉर्म में P1 अपॉन P2 will be equal to T1 upon T2 into V2 upon V1। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने दे दिया नंबर फाइव और नीचे जो इक्वेशन है इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सिक्स। अब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन फाइव को
इक्वेशन नंबर 6 के साथ, तो ये बन जाएगी हमारे पास v2 upon v1 raised to power gamma will be equal to t1 upon t2 into v2 upon v1. ये वाली इक्वेशन विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन, v2 upon v1 raised to power gamma विल बी इक्वल टू t1 upon t2 into v2 upon v1. तो इसे हमने टेम्परेचर के इक्वेट कर दिया, टेम्परेचर t1 upon t2 विल बी इक्वल टू v2 upon v1 इनटू, ये जो हमारे पास v2 upon v1 है ये आ जाएगा हमारे पास v1 upon v2. जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v1 upon v2. अब हमने क्या किया, बेस सेम कर दिए, पहले हमारे पास था v2 upon v1 raised to power gamma, उसे हमने ऐसे लिख लिया, और ये जो हमारे पास था v1 upon v2, इसके हमने बेस सेम करने के लिए इसकी पावर जो है उसे -1 कर दिया। अब हमारे पास बेस अगर दोनों सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास बेस जो है दैट इज़ v2 upon v1 ये सेम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा t1 upon t2 विल बी इक्वल टू v2 upon v1, जो कि बेस सेम है, और पावर जो है 1 - γ बन जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 से अब आप बनाएंगे, जो कि इक्वेशन 4 है आपकी p1 v1 raised to power gamma इज इक्वल टू p2 v2 raised to power gamma। तो इसे आप लिखेंगे v1 upon v2 की फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू p2 upon p1 raised to power 1 over gamma। तो अगेन आप अपनी जनरल गैस इक्वेशन की तरफ चलेंगे तो वो होती है p1 v1 upon t1 = p2 v2 upon t2, और यहाँ पे आपने निकालना है, इसे इक्वेट करना है गैस इक्वेशन को वॉल्यूम के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगी t1 upon t2 into p2 upon p1। ये ऊपर वाली इक्वेशन है, इसे आप दे दीजिए नंबर 8 और नीचे नंबर 9। तो अब आपने इक्वेट करना है इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 9 के साथ, इसको आपने इक्वेट करना है इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा p2 upon p1 raised to power 1 upon gamma will be equal to t1 upon t2 into p2 upon p1, जो कि हमारी ये वाली इक्वेशन, ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये हमारे पास बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर p2 upon p1 raised to power 1 upon gamma into p2 upon p1, ठीक है, p2 upon p1। अब हम यहाँ पे इसका जो है बेस को चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसकी पावर जो होगी, इसकी पावर 1 होगी, तो इसकी पावर जो होगी वो हम इन्वर्स कर देंगे, बेस सेम कर देंगे, तो ये बन जाएगी p1 upon p2, इसकी पावर हो जाएगी
माइनस वन अपॉन गामा। ठीक है, तो ये अब इसमें अब पावर जो है बेस सेम हो जाएंगे पी वन अपॉन पी टू, तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, माइनस वन अपॉन गामा प्लस इसकी पावर वन हो जाएगी। तो टी टू टी वन अपॉन टी टू ये जो है ये बराबर हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू रेस टू पावर, अब आप माइनस वन अपॉन गामा प्लस वन को गामा माइनस वन अपॉन गामा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप जैसे देख लीजिए, माइनस वन अपॉन गामा माइनस प्लस वन है, तो इसका बेस क्या आ जाएगा हमारे पास गामा, तो ऊपर बन जाएगा माइनस वन सॉरी गामा माइनस वन प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन प्लस गामा को आप गामा माइनस वन भी लिख सकते हो, ये बनेगा हमारे आपके पास गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो ये हमारे पास रिलेशन जो है टी वन अपॉन टी टू विल बी इक्वल टू पी टू पी वन अपॉन पी टू रेस्ट पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, इसे आप इक्वेशन नंबर दे देंगे 10। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग योर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जो वर्क डन आपका होगा वो क्या होगा। एस यू नो दैट डेल्टा डब्ल्यू वो होता है इज इक्वल टू पी डी वी, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट वन टू टू डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू टू पी डी वी, और ये जो वर्क डन की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी डब्ल्यू वन टू टू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, तो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, एज यू नो दैट दी एडियाबेटिक जो एक्सपेंशन है वो गैस लॉ फॉलो करता है, तो ये हो जाएगा पी वी गामा, जो कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस जो ला फॉलो करता है विल बी इक्वल टू पी वन वी वन रेस्ट पावर गामा, और यहाँ से ये जो अपना आपका एक्सप्रेशन है पी वन रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू पी वन वी वन रेस्ट पावर गामा, तो यहाँ से आप P की वैल्यू आप निकाल लेंगे, इट बिकम P1 V1 रेस्ट टू पावर गामा अपॉन V रेस्ट टू पावर V रेस्ट पावर गामा। ठीक है, अब आपके पास जो P की वैल्यू है वो आ जाएगी, अब आप सब्स्टिट्यूट करिए P की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 11th में। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगी जो चीज़ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू टू, P की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए P1 V1 वी वन रेस्ट पावर गामा अपॉन V गामा विल बी इक्वल टू, अब P1 V1 वी वन रेस्ट पावर गामा वो बाहर आ जाएगा और अंदर आपका जो रह जाएगा वो होगा P1 वी वन रेस्ट पावर गामा इंटीग्रेशन वन टू टू वी माइनस गामा डी वी। ठीक है, वी माइनस गामा डी वी, तो ये आपके पास जो चीज़ बनेंगी इट बिकम पी वन वी वन रेस्ट पावर गामा वी उसकी पावर माइनस गामा प्लस वन, और बेस में ये पावर आ जाएगी माइनस गामा प्लस वन, यहाँ पे आप नीचे वन लेके चलेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी गामा पावर के साथ ये वन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, तो इसमें इसकी लिमिट होगी वन टू टू, तो जब हम इसकी जो
लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगी पी वन वी वन गामा ओवर वन माइनस गामा इनटू वी की जो वैल्यू होगी, ये हमारे पास माइनस वन अपॉन गामा, इसे हम दूसरी साइड पे लिख लेंगे वन माइनस गामा की फॉर्म में, जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था, माइनस गामा प्लस वन को आप वन वन माइनस गामा की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास बन जाएगी पी वन वी वन गामा अपॉन वन माइनस गामा इंटू वी के लिमिट टू वन माइनस गामा माइनस वी वन पावर वन माइनस गामा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अपना जो ये यहाँ पे हमने लिमिट पुट की है, इसे हम साथ में ही लिख लेंगे, तो ये जो है वन माइनस गामा ये नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास पी वन वी वन गामा, ये वी टू वन माइनस गामा माइनस वी वन वन माइनस गामा, ये एक साथ में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ये जो वह है वन माइनस गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, इसे हम पी वन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और पी टू की फॉर्म में इसे ऐसे लिखेंगे। इसमें यहाँ पे पी वन की जगह जो जहाँ जहाँ वैल्यू वन है वो टू हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास पी टू वी टू गामा वी टू वन माइनस गामा माइनस पी वन वी वन गामा वी वन वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा। अभी हम लिख के आपको इसे बताएंगे कि ये कैसे आया। अभी ये हमारे पास है, देखिए पी वन वी वन रेस्ट पावर गामा एन टू वी टू वन माइनस गामा माइनस वी वन वन माइनस गामा ओवर वन माइनस गामा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास पी वन वी वन इज टू पावर गामा वी टू रेस्ट पावर वन माइनस गामा माइनस वी वन रेस्ट पावर गामा अपॉन, ये चीज़ बन गई। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास पी टू वी टू पावर वन माइनस गामा ओवर माइनस पी वन वी वन इंटू वी वन वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, ये हमने लिख दिया इसे पी टू की फॉर्म में। तो अगर हम इसे लिखेंगे पी वन की फॉर्म में तो ये हमारे पास आएगा पी वन वी वन गामा वी टू वन माइनस गामा माइनस पी वन वी वन रेस्ट पावर गामा वी वन वन माइनस गामा ओवर वन माइनस गामा। पी वन की फॉर्म में इसे हम ऐसे लिख लेंगे और पी टू की फॉर्म में इसे हम ऐसे लिख लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारी वर्क डन की वो होगी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कंप्रेशन की, और पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन वन माइनस गामा जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन और कंप्रेशन की हमारे पास ये जो दो वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि कंप्रेशन में हमारा जो वी टू होगा
वो बड़ा होगा और वी वन जो होगा वो कम होगा, इसलिए हमने बड़े में से छोटा माइनस किया है। और एक्सपेंशन में हमारे पास जो वी वन की वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी, वो ज़्यादा होगी और फाइनल वैल्यू हमारे पास वी टू की वो कम होगी, इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट अब हमारे पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एज वी नो दैट डी यू की जो वैल्यू होती है दैट इज़ एम सी वी डी टी होती है, ठीक है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू डी यू एम सी वी इंटीग्रेशन वन टू टू डी टी। तो यू वन माइनस यू टू जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा एम सी वी टी टू माइनस टी वन। और हीट सप्लाइड की वैल्यू और हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू एज यू नो दैट दिस इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसमें जो हीट सप्लाई होगी वो इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो डेल्टा जो हमारे पास क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो क्यू वन टू टू जो होगी वो विल बी इक्वल टू ज़ीरो होगी। और चेंज इन एंथैल्पी जो हम प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी देखा है हमने, जब निकालते हैं तो डी एच एच टू माइनस एच वन जो होता है दैट इज़ एम सी पी टी टू माइनस टी वन होता है। इसे आप डिटेल में देखने के लिए जो पीछे वाली वीडियो है हमारी उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने चेंज इन एंथैल्पी निकाला है। थैंक यू वेरी मच।